नमस्कार, मैं सुप्रिया बाकल महाराष्ट्र से। स्वागत है आप सभी का सुप्रिया किचन गार्डन में। फ्रेंड्स, आज हम हमारे समर सीजन की जो लास्ट हार्वेस्टिंग है वो करने वाले हैं, क्योंकि हमें हमारे गार्डन को अभी मिट्टी निकाल कर रिचार्ज करना है और रेनी सीजन के लिए मिट्टी प्रिपेयर करनी है। तो इसलिए हम जो भी हमारे गार्डन में है हार्वेस्टिंग के लिए, वो सारा कुछ हम हार्वेस्ट करेंगे। हमारा जो ये टेरेस गार्डन है वो बहुत काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए हम अपने आप खुद से तो नहीं कर सकते हैं। इस गार्डन की मिट्टी, पूरी मिट्टी प्रिपेयर करने के लिए हमें लेबर की हेल्प लेनी पड़ती है। ये हमारे गार्डन का काम कुछ एक दो दिन का नहीं है, बल्कि हमें पूरे 7-8 दिन लगते हैं इस पूरे गार्डन को मिट्टी को निकाल कर रिचार्ज करने में। और ये देखिए फ्रेंड्स, प्लूमेरिया, रेड प्लूमेरिया के फ्लावर्स देखिए कितने खूबसूरत खिल चुके हैं। अभी हम हमारे गार्डन में से जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो हम निकालने वाले हैं, उनमें से उनसे जो भी फ्लावर्स हैं वो सारे निकाल लेंगे। जो कैरी है, कैरी में के जो हमें हम प्लांट्स निकालने वाले हैं, वो सारे हम उसके फ्लावर्स शुरू में निकाल लेते हैं और बाद में हम उन सारे प्लांट्स को निकाल लेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है अपने गार्डन की मिट्टी को रिचार्ज, तो आप अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी रेनी सीज़न उतना नहीं शुरू हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये जो शुगर केन का प्लांट है, शुगर केन है, इसमें से साइड साइड से कुछ इस तरह से स्प्राउट्स निकल रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये शुगर केन का जो पौधा है ये मैच्योर हो चुका है। अभी हमें पहले ही हमें इसे काट लेना चाहिए था, लेकिन जो भी इसके स्प्राउट्स हैं वो हम दोबारा से इसे लगाकर नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जो जहाँ से हमें स्प्राउट निकलती है ना, वहाँ से हम काट कर मिट्टी में लगा देते हैं तो नया प्लांट ग्रो हो जाता है। ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा स्प्राउट निकल चुका है और ये भी लग जाएगा। मैं इन शुगर केन से कई सारे नए प्लांट्स भी रेडी करने वाली हूँ। अगर आप में से किसी को शुगर केन के प्लांट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हो। और ये सारा शुगर केन वगैरह सब हम निकाल लेंगे। फिलहाल तो शुरू में हम ये फ्लावर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये प्लांट्स निकालने हैं, तो ये फ्लावर्स हमें 8 दिन तक पूजा के लिए काम में आ जाएंगे अगर हम इसे फ्रिज में रखते हैं तो। रेनी सीजन के लिए हम इसे गलेडिया के प्लांट्स को नए सिरे से लगाएंगे। इसके सीड्स अगर हम मिट्टी में दबा देंगे तो इसके कई सारे प्लांट्स निकल कर आ जाएंगे, लेकिन हम इतने ज़्यादा भी प्लांट्स गलेडिया के नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारी मात्रा में फैलते भी है और इसमें बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग होती रहती है। तो हम हमारे टेरेस पर सोच रहे हैं कि 2-3 ही प्लांट्स लगा लेंगे, एक येलो और एक ब्राउन येलो, इस तरह के कुछ अलग अलग कलर्स के 2-4 प्लांट्स हम रखेंगे, बाकी के सारे हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इस प्लांट को अभी तक नहीं लगाया है तो आप ज़रूर लगाएं। इसके सीड्स भी आते हैं, सीड्स से इसके ढेरों प्लांट्स बन जाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, रेड प्लूमेरिया बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसके फ्लावर्स इतने खूबसूरत दिखते हैं। और ये प्लांट बहुत ही हार्डी है, इसे आप ज़्यादा पानी भी ना डालो तो भी ये सर्वाइव कर जाता है। और ये वाइट प्लूमेरिया, चंपा जिसे हम कहते हैं, मेरे पास नाग चंपा का भी प्लांट है, चंपा के मेरे पास कई सारे प्लांट्स है, कलर्स है। और ये देखिए, इतने सारे फ्लावर्स हमें आज मिले हैं। यहाँ पर ये हमारी स्वीट पोटैटो वाइन है, इसमें लगा रखी है, तो हम देखते हैं हमें स्वीट पोटैटो कितने मिलेंगे। जो भी हमारे प्लांट्स मैच्योर है वो भी निकाल रहे हैं, और जो नहीं मैच्योर हुए हैं उन्हें भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें रेनी सीजन के लिए मिट्टी प्रिपेयर करनी है। तो पुराने सारे प्लांट्स जो भी टेम्पररी है वो सारे हम निकाल लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इतने सारे स्वीट पोटैटोज मिले हैं। और ये है मस्क मेलन, मस्क मेलन के भी अभी छोटे छोटे हैं, अभी मैच्योर होने के हैं, लेकिन सारे बेले हमें निकालनी है, तो हम सारे फ्रूट्स बेलों से निकाल रहे हैं। अभी जून का मंथ चल रहा है तो बारिश कभी भी आ सकती है, तो आपको अपना गार्डन रेनी सीजन के लिए रेडी करना बहुत ही ज़रूरत है, अगर ज़रूरी है। अगर आपने भी अभी तक अपना गार्डन रेडी नहीं किया हो तो आप पुराने प्लांट्स पूरे निकाल लें और मिट्टी को रिचार्ज करें। किस तरह से क्यारियाँ बनानी है वो सारा कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। पिछली बार हमने हमारे बैक साइड के टेरेस
की कैरिया किस तरह से रिचार्ज की है और ड्रम में हमने किस तरह से कंपोस्टिंग के लिए पुराने गार्डन वेस्ट को रख डालकर उसके ऊपर मिट्टी डालकर किस तरह से हमने उसे रेडी किया है, वो सारा कुछ हमने आपके साथ शेयर किया है। और ये देखिए, ये छन्नी है, इसे छन्नी बोलते हैं, वो बड़ी छन्नी जो आती है ना, वो है, उसके सीड्स हम रखने वाले हैं। अगर आप में से किसी को उसकी सीड्स चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये सारे मस्क मेलन हैं, अभी छोटे छोटे हैं लेकिन निकालना पड़ रहा है, क्या करें। इस बार हमने हमारे गार्डन में वाटर मेलन, मस्क मेलन कई सारे हार्वेस्ट भी किए हैं और आपके साथ शेयर भी किए थे, आपको पता भी है। और ये देखिए, ये जो लाइनिंग वाला मस्क मेलन होता है ना, ये बहुत ही मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा। अगर आपको मस्क मेलन की वेराइटीज चूज़ करनी है तो वो जो लाइनिंग वाली वेराइटी आती है ना, तो वो चूज़ करें, वो बहुत मीठी होती है। मुझे उस वेराइटी का नाम तो पता नहीं है। और यहाँ पर हम हमारे कैरी में जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स है अभी सारे निकाल लेंगे और उसके बाद हम कैरी को रेडी करेंगे। और ये विंका के प्लांट पे फ्लावरिंग देखिए, कितनी सारी फ्लावरिंग हुई है। मन तो बहुत दिखता है, पुराने प्लांट्स भी अच्छे होते हैं लेकिन क्या करें, हमें समय के साथ चलना भी पड़ता है। और ये सारी बेलें भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। और ये जो कैरी है, टेम्पररी कैरी, इसे हमने पूरे प्लांट्स को निकाल कर नीचे में पूरा हमने गार्डन वेस्ट डाला है और उस पर थोड़ी सी गोबर की खाद और पुरानी हमारी किचन वेस्ट खाद को छिड़क दिया है। और ये है हमारी पुरानी किचन वेस्ट, आधी गली की किचन वेस्ट की खाद, इसे हम थोड़ा थोड़ा अपने जो हम नीचे में गार्डन वेस्ट डालते हैं उस पर छिड़क देते हैं। और ये मिट्टी हम प्रिपेयर करेंगे और उसमें फिर से डाल देंगे। मिट्टी में हम 50% गार्डन सॉइल लेंगे और 40% हम किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद ऐड करेंगे। और 10% में हम थोड़ी सी सैंड मिक्स करते हैं। वैसे तो हमने इसमें सैंड मिक्स कर रखी है, इसलिए हमें इस बार सैंड मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप सैंड मिक्स कर देते हो तो बार बार आपको मिट्टी में सैंड मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर ये देखिए, ये सारे शुगर केन के प्लांट्स हैं, वो सारे हम निकाल लेंगे। इसमें कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, जैसे भी है, लेकिन ये सारे अभी हमें निकालने होंगे, क्योंकि जैसे ही हम इन सारे शुगर केन के प्लांट्स को निकाल लेंगे वैसे ही नए शूट्स निकलेंगे नीचे से और नए प्लांट्स रेडी होंगे। तो इसलिए हमें ये पूरे शुगर केन के प्लांट्स को निकालना पड़ता है। अगर आपके पास भी अगर शुगर केन का पौधा लगाया है तो वो भी आप निकाल लें और उसे आप पूरा ना उखाड़े, उसे आप ऊपर से ही काट लें जैसे कि हम काट रहे हैं। और उसे ऊपर से काटने के बाद नीचे का जो पार्ट होता है उसमें से स्प्राउटिंग होती है और नए शुगर केन के पौधे निकल कर आते हैं। और हम इसके नए प्लांट्स भी बनाने वाले हैं, रेडी करने वाले हैं। आप में से किसी को नए शुगर केन के प्लांट्स लगाने हैं ब्लैक शुगर केन के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। ये खाने वाला गन्ना है, इसे हम आराम से खा सकते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे शुगर केन के पौधे हमें मिले हैं, तो इतने सारे शुगर केन का हम खा तो नहीं सकते, हम इसका जूस निकाल लेंगे और मस्त से पी लेंगे। और ये पूरे 8 दिन के बाद हमारा गार्डन बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो इसमें हम क्या क्या लगाने वाले हैं वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स। ये सारी टेम्पररी कैरिया और 5-6 टेम्पररी कैरिया हमने बनाई हैं और 2 परमानेंट कैरिया बनाई हैं। परमानेंट कैरिया किस तरह से बनाई जाती है, उसे वाटरप्रूफिंग किस तरह से किया जाता है, वो भी हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप देखना चाहोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और ये हमारा लक्ष्मण फल का प्लांट है, इसके पत्ते पूरे झड़ चुके थे और नए पत्ते आ चुके हैं। और ये कुछ अनार है प्लांट्स पर लगे हुए हैं, इसे हम बाद में हार्वेस्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, प्लांट्स लगाओ, नेचर बचाओ, ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार, थैंक यू। और ये देखिए, शुगर केन के प्लांट्स में नए शूट्स भी आने शुरू हो चुके हैं, नीचे से सारे
नए नए शूट्स निकल कर आ चुके हैं और यही बाद में आगे चल के बहुत बड़े होंगे और हमें फिर से नया शुगर केन खाने को मिलेगा। पूरे 10 महीने लगते हैं एक शुगर केन के प्लांट को रेडी होने में। और यहाँ पर देखिए, ये हमने पूरे गार्डन में ड्रिप इरिगेशन लगा के रखा है। इसे किस तरह से लगाया जाता है उस पर हमने वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था, अगर आप देखना चाहोगे तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार।